बड़ी खबर इस समय आ रही है यूक्रेन के खार्किव में रूस की भारी गोलाबारी हो रही है। अब देखिए माइकोलेव की बात हमने की थी, ये खार्किव एक दिन में 40 इमारतों को निशाना बना लिया, यानी वो एक एक करके जो सर भी बता रहे हैं हम स्टूडियो में कि एस्केलेट इतना ज्यादा बढ़ा दो युद्ध को कि सामने वाला बस यही कहे कि नहीं शांति शांति शांति, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुतिन कह रहे हैं हथियार मत दो, हथियारों को ही खत्म करने के लिए हमने इस युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन दुनिया सप्लाई करती रहेगी तो हम उन्हें उसे नष्ट करते रहेंगे। अब खार्किव हो, माइकोलेव हो, ये सारे इलाके हो जहां पर बमबारी चल रही है, और पूर्वी पूरा इलाका जहां पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के जो सबसे उत्कृष्ट, जो सबसे अच्छी प्रशिक्षण पाए हुए सैनिक है सर, उन्हें फंसा लिया है वहां पर। बिल्कुल फंस गए हैं, और ऐसे फंस गए हैं, और वो यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है जहां उनके सैनिक और भी फंसे हुए हैं, ये तो अजो बटालियन की बात हो रही है जिसमें फॉरेन फाइटर्स भी हैं, उसको वो कट ऑफ कर देना चाहते हैं। एक बार उन्होंने कट ऑफ कर दिया, सारी की सारी सेना इक्विपमेंट सब एक साथ कब्जे में आ जाएगा, तब यूक्रेन के पास ये सोचने के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि उन्होंने जो वॉर शुरू की, देखने में पहले ऐसा लगा मिलिट्री ऑपरेशन है, कीप पर हुआ, खार्किव हुआ, बड़े बड़े शहरों के घेराबंदी हुई, लेकिन जब रिट्रीट करके उन्होंने ये काम करना शुरू किया। और देखिए श्वेता एक बात और है, उन्होंने अभी 11 बटालियंस और इंसर्ट की हैं, रेनफोर्स की हैं ईस्टर्न इलाके में, रूस ने तो क्रीमिया में रीग्रुप करना शुरू कर दिया था उन्होंने, उनके लिए इंसर्ट करना बहुत आसान है क्योंकि उनके बॉर्डर से मिला जुला है ईस्टर्न पार्ट। और अब जो पूरी लड़ाई है आप समझिए कि वो उस पूरी सीमा पर ले गए जो रूस की सीमा से लग रही है, बेलारूस की सीमा को इसमें नहीं इन्वॉल्व किया गया है। देखिए 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन का एक शहर ऐसा था जिसे सबसे सुरक्षित माना गया, ये शहर है लवीव जो यूक्रेन के पश्चिम में है, मगर रूस ने यह भ्रम कल पूरी तरह से तोड़ दिया कि यूक्रेन का कोई भी कोना अब सुरक्षित है। सोमवार को रूस की 4 मिसाइलें लवीव पर बरसी, 7 लोगों की मौत की खबर यूक्रेन से आई। इस युद्ध में लवीव में नागरिकों के मारे जाने की यह पहली घटना है। यूक्रेन में आप चाहे किसी भी कोने में हो, आपकी जान सलामत नहीं है। लवी पर रूसी हमले के बाद भड़के ये शोले और 7 लोगों की मौत यही चेतावनी दे रही है। ये यूक्रेन का पश्चिमी शहर है, पोलैंड के करीब, जहां लाखों यूक्रेनी इस उम्मीद में भागे थे कि शायद वहां वो रूस के हमले से बच जाएंगे। मगर सोमवार को रूस ने लवी को भी नहीं बख्शा, एक के बाद एक 4 मिसाइलों ने लवीव को निशाना बनाया। इनमें से 3 सेना के उन इमारतों पर गिरे जिनका इस्तेमाल सेना अब नहीं करती। वहीं 4थी मिसाइल इस कार सर्विस स्टेशन पर गिरी। लवीव फायर सर्विस शोलों को बुझाने पहुंची तो सड़कों पर पड़े शव और खून के निशान दिल को दहला रहे थे। लवीव ने न केवल इतने बड़े पैमाने पर जंग के शोलों को देखा, बल्कि 24 फरवरी के बाद पहली बार लवीव में नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन में हम आज जो देख रहे हैं वो नरसंहार है, जिसे आक्रमणकारी एक मकसद से अंजाम दे रहा है, नागरिकों को मारा जा रहा है। यूक्रेन के मेयर ने युद्ध की शुरुआत में ही बाइडेन और यूरोप के नेताओं से मदद मांगी थी, यूक्रेन का आसमान बंद करने, हथियार देने, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की मांग की थी। लवीव शहर शरणार्थियों का शहर है, यहाँ से लाखों यूक्रेनी पोलैंड, रोमानिया जैसे देशों में चले गए ताकि वो रूस के हमले से बच सके। मगर कीव से लवीव आए आर्टेमो मिखाइल जैसे लोगों को रूस के हमले ने दहला दिया। यूक्रेन अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है, शायद जल्दी ही युद्ध खत्म हो जाए। आज जब 5 मिसाइलों का हमला हुआ तो मेरी नींद धमाकों से खुली, मुझे लोगों की चिंता हुई और अफसोस कई लोग मारे गए, और ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे समय में जब रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में जमीन पर जबरदस्त जंग छेड़ रखी है, तब उसने पश्चिमी यूक्रेन पर हमला कर एक साथ कई संदेश दिए हैं। लवीव नेटो देश पोलैंड की सीमा के करीब है, रूस का हमला नेटो देशों के लिए चेतावनी है। रूस ने पोलैंड के जरिए यूक्रेन को भेजी जा रही हथियारों की मदद को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, इस हमले से उसने उसे हकीकत में बदलने का इरादा भी जता दिया है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि बीते कुछ दिनों में रूस के हवाई हमले 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। आज तक भी